हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठा दिन है। आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन पर संकट है और इसे लेकर आज विधानसभा में विधेयक भी लाएगी सरकार। चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो की पेंशन पर खतरा है। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। सदन से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और विपक्ष के सदन में जाने को लेकर फैसला किया जाएगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की छठे दिन की कार्यवाही के हवाले से प्रदीप ठाकुर का रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो हेड बने हुए मेरे साथ। प्रदीप, विपक्ष सदन में जाए या न जाए इसको लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, आज भी हंगामेदार रह सकता है सेशन। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की पेंशन पर भी विधेयक लाया जा सकता है, क्या कार्यवाही रह सकती है आज की, जरा तफसील से बताएं। बिल्कुल, देखिए 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन आज देखना ये होगा कि क्या विपक्ष सदन में जाता है, क्योंकि पिछले कल भी जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसके बाद राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया है उनको हटाने के लिए, तो उसमें जो है आज विपक्ष का रुख क्या रहता है सदन में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है पहले, उसमें नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में ये बैठक होगी और वहां आगे की रणनीति तैयार की जानी है। लेकिन आज पूरा फोकस एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक विधेयक आज इंट्रोड्यूस हो रहा है विधानसभा में, चर्चा और पारण उसका बाद में होना है, आज केवल पूर्व स्थापना होनी है और उसमें जो विधायकों के वेतन भत्ते से जुड़ा हुआ, पेंशन से जुड़ा हुआ ये विधेयक है, संशोधन विधेयक है। इसमें ये व्यवस्था की जा रही है कि जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो पूरा सियासी घटनाक्रम बना, व्हिप के उल्लंघन पर 6 कांग्रेस के जो उस वक्त के विधायक थे जो बागी हो गए थे, उनको अयोग्य करार दिया गया था, तो उनकी पेंशन रोकने से जुड़ा हुआ ये विधेयक है। हालांकि इसमें ज्यादा नुकसान दो जो पहली बार के विधायक है, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा, इन दो को उठाना पड़ेगा। अगर ये बिल पारित होता है और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो फिर इन दो की पेंशन नहीं लगेगी, क्योंकि ये पहली बार के विधायक हैं। बाकी जो चाहे सुधीर शर्मा है, राजेंद्र राणा है और बाकी भी जो विधायक हैं उनको लेकर, जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनमें कुछ चुनाव जीत कर भी आए हैं, सुधीर शर्मा चुनाव जीत कर वापिस आए हैं, इंदर दत्त लखनपाल चुनाव जीत कर वापिस आए हैं, तो जिस टर्म तक वो थे इस विधानसभा में, उस दौरान की जो पेंशन उनको लगनी थी उसको नहीं लगाया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। लेकिन जो पुरानी पेंशन है, जैसे रवि ठाकुर है, उनको पुरानी पहले से भी पेंशन उनको मिलती आ रही है, वो पहले भी विधायक रहे हैं तो उनकी पुरानी पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन इस सत्र की पेंशन यानी ये जो टर्म है विधानसभा का उसकी पेंशन को नहीं दी जानी है। लेकिन देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा क्योंकि पहली बार के विधायक हैं तो उनको फिर पेंशन नहीं मिलनी है, तो इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इसमें आज इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सदन में, फिर आने वाले दिनों में इसको इसकी चर्चा और फिर पारण होगा और क्या पारित होता है या इसमें क्या आगे रहता है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।